बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किया है कि आचार्य जी, क्या कोई मंत्र से उपचार पूजन किया जा सकता है? देखिए, ये जो बात है ये दो प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ। उपचार पूजन आप सभी लोग जानते हैं, पंचोपचार, ठीक है, षोडशोपचार, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की उपचार पूजन होता है। तो आप अगर उपचार पूजन करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप कर्मकांड में रुचि रखते हैं और कर्मकांड की विधि को पूरी तरह से जानने की प्रयास कर रहे हैं। और रही बात कि आप जिस प्रकार से मंत्र से उपचार पूजन करना चाहते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादातर भक्त मंत्र से ही पंचोपचार पूजन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नमः शिवाय में आप स्नान के लिए आप जल अर्पित करते हो, उसी मंत्र से आप जो है महादेव को तिलक अर्पण करते हो, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ उसी मंत्र से अर्पित करते हो, ये एक प्रकार की उसी मंत्र का उपचार पूजन हो गया। लेकिन अगर आप विधिवत रूप में उपचार पूजन करना चाहते हो तो उसमें हर देवा देवी की, उनकी स्नान के लिए जो मंत्र होता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। उनको जो वस्त्र, जो षोडशोपचार में जैसे आप देते हैं आसन देते हैं, उसका मंत्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो है आपकी हिसाब से कोई भी देवी देवा का, देवा देवी का जो मंत्र होता है स्नान का या फिर किसी भी प्रकार के उपचार पूजन का, उसमें आप अपने आराध्य के नाम को जोड़ के आप उपचार पूजन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा किसमें किसमें लाभ मिलेगा? देखिए, मुझे ये नहीं पता चलता है कि आप लोग हर चीज़ में लाभ खेती क्यों देखते हो। आप लोग बार बार सवाल करते हो तब भी वीडियो बना दिया जाता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस मंत्र, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट मंत्र। बट हम यह कहना चाहते हैं कि हर चीज़ में अपना फल का इंतजार क्यों कर रहे हो? पहले आप भक्ति भाव से कुछ दिन पूजन करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको कैसा लाभ मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभिषेक वगैरह होते हैं, उसमें जितने भी प्रकार के उपचार पूजन होते हैं वो पूरी तरह से विधिवत रूप में किया जाता है। लेकिन भक्ति भाव में हम जब करते हैं, हमारे कुछ सिद्ध मंत्र है, उस सिद्ध मंत्र से माता रानी का हो, ये भोले बाबा का हो, गणपति भगवान का हो, उनका मैं उपचार पूजन करता हूँ। तो आप अगर कुछ उपचार पंचोपचार पूजन कर रहे हैं या फिर कुछ भी उपचार पूजन कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ पे संदेह नहीं करना है। आप अपने हिसाब से ही करिए, आपको जैसा लगता है वैसा करिए, लेकिन भक्ति भाव होना चाहिए। जो चीज़ कर रहे हैं उसमें भक्ति जरूरी है। बिना भक्ति का कोई भी पूजा पाठ साधना मंत्र जप तप ये सब कुछ बिल्कुल भी विफल हो जाता है। भक्ति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी मंत्र अगर विधिवत रूप में आप कर्मकांड का रूप में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर आप अपने घर में भी अगर आप पूरी तरह से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। हालांकि कर्मकांड जो कार्य है वो ब्राह्मण पंडित लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता, उनको ये सारे पूजन के लिए 2 घंटा वो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अगर ऐसा करते हैं तो उसी नमः शिवाय मंत्र का या फिर कोई भी मंत्र जो आप करते हैं, जो मंत्र जप करते हैं, उसी मंत्र का प्रयोग करिए और उसी में से आप पंचोपचार पूजन या फिर किसी भी प्रकार के उपचार पूजन जो है आप उसको करिए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और आपके जीवन में उन्नति हो सकता है अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ।